ये बात जहन में रखिएगा कि माँ की फितरत के अंदर अल्लाह ने अपनी फितरत का अक्स रखा है अपनी फितरत का जमाल माँ की फितरत के अंदर डाल दिया है माँ मस्तूर है पर्दों में लेकिन उसकी तरबियत बोल रही होती है सीरत फरजंदहा अज उम्मा हाथ जोहरे सिद्को सफा अज उम्मा हाथ बेटों की तरबियत माओ के हाथ में है सिद्ध को सफा के जौहर जो पैदा होते हैं औलाद के मिजाज के अंदर वो मां की तरबियत का असर है बेटा मिंबर नशीन हो मस्तद नशीन हो मैदानी कारजार के अंदर हाथ में तलवार थामे खड़ा हो या मुल्क के किसी अहम मनसब पे फैजुल मराम हो पता चलेगा पीछे मां कैसी है अगर खयानत नहीं करेगा तो लोग कहेंगे अच्छी मांग का दूध पिया है तो माँ अच्छी हो तो उसकी तरबियत बोलती है सैयद नाली मुर्तजा रज अल्लाह हो मैदान जंग में उतरते हैं और क्या बोलते हैं सब मत नहीं उम्मी हैदर मैं वो हूं जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है तो माँ की तरबियत बोलती है माँ तो किसी ने नहीं देखी लेकिन उसकी तरबियत सामने नजर आती है सीरत फरजंदहा अज उम्मा हाथ जोहरे सिद्को सफा अज उम इकबाल कहता है कि मेरा मिजाज आप देखते हैं मुझे ये जो जुनून परवर हिरत की गई है निगाहे मादरे पाकंदरू ने कहा यह मेरी मां की निगाह का कमाल है मां की निगाह बोल रही है मां की तरबियत बोल रही है तो यह मां सिखाती है तो जब अमूमत की मौत वाक्य हो गई तो फिर साल माशरत कैसे तश्कील पा सकती तो आज बाप ओल्ड होम में तड़पता हुआ आखिरी आरज़ू यह करता है कि काश के मेरा बेटा मुझे मिलने आ जाए डरली के एक अखबार में एक बूढ़े अंग्रेज की वसीयत छपी थी उसने कहा था कि मैं मर रहा हूँ मेरी आधी जायदाद चर्च को दे दी जाए और आधी जायदाद मेरे कुत्ते को दे दी जाए तो कहा कि ये अजीब वसीयत है तुम्हारी कहा मेरे इतने बेटे हैं मेरी इतनी बेटियां हैं लेकिन अब मौत की हिचकी लगी है मुझे और आखिरी सांसें हैं तो ये वफादार कुत्ता है जो टिक टिकी बांध के मुझे देख रहा है ना मेरा बेटा इस वक्त कोई मौजूद है ना मेरी बेटी इस वक्त कोई मौजूद है जब अमूमत मर जाती है तो फिर बेटे को वो प्यार सिखाने वाला बेटी को वो माँ बाप की उल्फत सिखाने वाला कोई बाकी नहीं रहता तहजीब फरंगी है अगर मर गए अमूमत है इंसान के लिए इसका समर मौत जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन कहते हैं उसी इल्म इल्म को नज़र मौत मौत वो वो फिर इल्म नहीं रहता वो मौत बन जाती है तो जन नाजन ना जन हो जन का नाजन होना ये उसका कमाल नहीं है औरत को औरत इसीलिए कहा जाता है कि वो मस्तूर होती है वो पर्दे में रहती है उसका परदे में रहना ही हुन है उसकी फितरत को अल्लाह ने अपनी फितरत का जमाल दिया है उसकी फितरत को अल्लाह ने अपनी फितरत के अक्स में मुनकस किया है जिस तरह वो खुद पर्दे के पीछे रह के सब कुछ कर रहा होता है माँ पर्दे के पीछे होती है लेकिन सब कुछ माँ की तरबियत बोल रही होती है अब आइए सुनिए इस कायनात के अंदर हमें वो खवातीन मिलेंगी जो पर्दे के पीछे थी लेकिन पर्दे के सामने माँ नहीं आई अब्दुल कादिर जिलानी आए माँ पर्दे के पीछे थी पर्दे के सामने फरीदुद्दीन गंजे शकर आए माँ पर्दे के पीछे थी मेहरो मां ने भी आंचल नहीं देखा लेकिन पर्दे के सामने करबला में हुसैन अली आए तो ये पर्दे के सामने आए वो पर्दे के पीछे थी तो जब माए पर्दे के पीछे हों तो फिर बेटे जो हैं वो पर्दे के सामने आके वो नक्श सबत करते हैं कि जो लोगों के जिंदगी के नकूश को जो है वो उजाल देते हैं और तकदीर बदल देते हैं तो इसलिए माओ की जिम्मेदारियां घर संभालना है जब माए घर संभाल लेती हैं तो बेटे बहरों बर संभाल लेते हैं माशरे के जिस फर्द ने भी कोई कार नमाया सर अंजाम दिए हैं वो वही है जिसकी माँ मस्तूर है अल्लाह अकबर इकबाल बोलते हैं मजराय तस्लीम रसल बतूल मादरा राह कामिल बतूल तस्लीम रेजाक की खेती का जो हासिल है वो सैयदा फातिमा तो जहरा हैं और माओ के लिए कामिल अकमल नमूना सैयदा पाक का वजूद है उनकी परवरश तस्लीम और रजा के माहौल में हुई थी और मिजाज क्या है कि हाथ से चक्की पीस रही है और लबों पर कुरान के नर में जा रही है। जब माँ चक्की पीस रही हो और लबों पर कुरान हो जब आटा गूंज रही हो लबों पर दरूद हो जब रोटी पका रही हो लबों पर हजूर की बारगाह में सलाम हो तो फिर बेटे हुसैन इबिन अली ही पैदा होंगे और माँ थरकते वजूद देख रही हो और स्क्रीन के आगे बैठ के आटा गूंज रही हो तो बेटे अदाकार तो बन सकते हैं औलिया औताद और, और अक्ताब नहीं बन सकते अगर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा यगाना रोजगार बने तो उसे उस वाय फातिमा को अख्तियार करना पड़े